नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अभी दो तरह की राजनीति चल रही है, एक परिवार भक्ति की और दूसरी देशभक्ति की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पुण्य अवसर पर मेरे साथ जुड़े पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता साथी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि की पांचवी तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी बुधवार यानी कि आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थापना दिवस के मौके पर लखनऊ पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सब की एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सब के ध्येय, जीवन का एक ध्येय है और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो वह प्रत्येक नागरिक के प्रत्येक नागरिक को स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी अहमद मुर्तजा को लेकर यूपी एटीएस लखनऊ मुख्यालय पहुंच चुकी है। अब एटीएस मुर्तजा से लखनऊ मुख्यालय पर पूछताछ करेगी। वहीं पुलिस लगातार मुर्तजा के द्वारा बताए जा रहे ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मुर्तजा 14 दिन की न्यायिक रिमांड हिरासत पर है। एटीएस हेडक्वार्टर मुर्तजा से लगातार पूछताछ वहीं पर की जाएगी। यूपी में गर्मी से लोग परेशान हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले 5 दिनों में गर्मी में और ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि इस दौरान हीट वेव चलने की संभावना है, जिसकी वजह से लू की मार लोगों को अब झेलनी पड़ेगी। यूपी में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और 10 अप्रैल तक तापमान इसी तरह से हर रोज नए रिकॉर्ड बना सकता है। लखनऊ में बुधवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भूमाफिया और गैंगस्टर सपा नेता बीरबल गुजराती के खिलाफ उन्नाव जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की गई है। बीरबल गुजराती की अचल संपत्ति कुर्क की गई, साथ ही शुक्लागंज की 3 जगहों पर कार्रवाई की गई।
4,27,00,000 से ज्यादा की संपत्ति इस दौरान कुर्क की गई। आपको बता दें कि सपा नेता बीरबल गुजराती पर सरकारी और किसानों की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करके उसे अवैध रूप से बेचने का आरोप है। जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव महोदय के दिनांक 2 अप्रैल 2022 के आदेश के अंतर्गत गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत 14/1 के अंतर्गत ये कार्यवाही बीरबल गुजराती निवासी कानपुर नगर के विरुद्ध की जा रही है। इसमें इनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों में 4 चलाचल संपत्तियों की कुर्की की जा रही है, जिसमें जनपद उन्नाव स्थित 3 संपत्तियाँ हैं, जिसकी कुर्की की कार्यवाही क्षेत्राधिकारी नगर SHO गंगाघाट और नैब तहसील। खबर बलरामपुर से है, जहां इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा और उसके पिता पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया और लोहे की रॉड से लगातार छात्रा और उसके पिता पर सिर फिरे युवक ने ताबड़तोड़ प्रहार किया। इस दौरान छात्रा और उसके पिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। वही छात्रा के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक नवयुवक द्वारा एक लड़की और उसके पिता को लोहे की रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर देने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घायलों को चिकित्सा हेतु भेजा गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है तथा अभियुक्त जो घटना में शामिल था, हथियार जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, उसके सहित अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जी, प्रथम दृष्टया किस चीज़ की जानकारी प्राप्त हो रही है? जिसमें हमें जो वादी द्वारा तहरीर की गई थी, उस आधार पर जाँच करते हुए हमने जेल भेजा है अभियुक्त को। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई भी चल रही है। घायल भी अभी बयान जब देंगे उस आधार। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 16 दिनों के अंदर 14वीं बार ईंधन महंगा हुआ है और अब तक पेट्रोल और डीजल में 10 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। वही आज एक बार फिर CNG के दामों में भी 2.5 रुपयों की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105.41 रुपए पहुंच गया है, जबकि डीजल 96.67 हो गया है और CNG की कीमत भी 66.61 रुपए प्रति पहुंच चुकी है। सोनभद्र के दुद्धी में बलिया में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर नाराज दुद्धी तहसील क्षेत्र के महुली म्योरपुर सहित स्थानीय पत्रकारों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर तहसील प्रशासन को मुख्यमंत्री नामित ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों ने नायब तहसीलदार विशाल कुमार पासवान को ये ज्ञापन सौंपा है। वहीं पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश के शासनकाल में एक ओर जहां आम जनमानस में निर्णय और सुकून का माहौल है, वहीं दूसरी ओर अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ अधिकारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निशाना बनाकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। बलिया प्रकरण में जिस तरीके से कथित दोषी करार दिया गया है पत्रकारों को, हकीकत बात तो यह है कि उन्होंने ही इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। गलत लोगों को चक्र रच के फंसा दिया गया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को प्रदेश के मुखिया के ऊपर भरोसा है। कितने DM और SP सस्पेंड हो रहे हैं अपने कार्यप्रणाली की वजह से, मुझे विश्वास है, हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि बलिया के भी DM और SP के खिलाफ न्यायिक जांच करा के जो इस मामले में दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, पत्रकारों को तत्काल रिहा कराया जाए और पर्ची मुकदमा वापस किया जाए। ये प्रदर्शन पत्रकारों के स्वतंत्रता के खिलाफ है। बलिया में पेपर लीक मामले को उजागर हमारे साथियों ने किया था, उसको अपना छिपाने के लिए जो है जिला प्रशासन DM SP ने फर्जी मुकदमा लाद के वहाँ के हमारे पत्रकार साथियों को जेल में बंद कर दिया। इस तरह से पत्रकारों के स्वतंत्रता पे स्वतंत्रता का हनन है, उसे बंद किया जाए, फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए, इसी मांग को लेकर आज हम लोग प्रदर्शनरत हैं। हम अगर हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करती है, DM या और SP बलिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो हम पत्रकारगण पूरे प्रदेश के अनिश्चितकालीन के लिए
खबर गाजियाबाद से है, जहां बदमाशों के आगे पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। यही वजह है कि दिन दहाड़े बदमाशों ने साहिबाबाद थाना क्षेत्र के डीएलएफ इलाके में एक महिला से बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दे दिया, जबकि स्नेचिंग के दौरान महिला ने हिम्मत दिखाते हुए मंगलसूत्र छीन रहे बदमाश का हाथ पकड़ लिया और उससे मंगलसूत्र छुड़ाने की भी कोशिश की, जिस पर बेखौफ बदमाश मंगलसूत्र के साथ साथ महिला को भी बाइक पर कई मीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिससे महिला घायल भी हो गई। हालांकि बदमाश महिला के मंगलसूत्र का लॉकेट लूटकर ही फरार हो पाए। वही घटना के बाद से ही इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। 2 तारीख को डीलर क्षेत्र में अपना बच्चों को इंतजार कर रहा था महिला के साथ, एक बाइक सवार आदमी ने लूट किया है। उनका चेन, लॉकेट और पर्स गया है। इस मामले में हम पुलिस को तहरीर अभी मिला है, तो उसका मुकदमा लिखा जा रहा है और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बदमाशों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर, इस घटना में कोई सीसीटीवी बताया जा रहा है, शिकायत में महिला के द्वारा कहा जा रहा है, क्या पुलिस उसको भी जांच रही है? सीसीटीवी बिल्कुल देखा जा रहा है, उसके आगे का पॉइंट भी देखा जा रहा है, ताकि हमको पता चलेंगे किस रास्ते से लूटा गया है और बाइक का एड्रेस। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।